हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनय कंप्यूटर एकेडमी। माय नेम इज़ विनय कुमार। फ्रेंड्स, हम लोग एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब पढ़ रहे थे। आज के वीडियो में इंसर्ट टैब में जो टेबल का ऑप्शन है उसको जो है अच्छे तरीके से आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए हम स्टार्ट मेनू में जाएंगे, यहाँ पर आप क्लिक करिए, उसके बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को यहाँ से आप ओपन कर लीजिए। इसको ओपन करने के बाद आते हैं इंसर्ट टैब में। तो इसके पहले हम कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और जो है स्मार्ट आर्ट, उसके बाद स्क्रीनशॉट इस देखे थे। ये जो चार्ट का ऑप्शन है, ये जब हम लोग एक्सेल पढ़ेंगे तो उसमें जो है अच्छे तरीके से उसमें हम क्लियर करेंगे, अच्छे तरीके से बताएंगे कि चार्ट को कैसे बनाया जाता है। और स्क्रीनशॉट में जो है, अब जैसे कहने का मतलब यह है कि स्क्रीनशॉट इसके पहले बताए थे, आज थोड़ा इसमें भी देख लेते हैं कि इसको कैसे करना है। अगर इस पूरे विंडो का हमको जो है स्क्रीनशॉट लेना है तो कीबोर्ड में एक प्रिंट स्क्रीन के नाम से एक की रहता है, तो आप उसको क्या करिए, एक बार प्रेस कर दीजिए। इसको प्रेस करने के बाद फिर उसको जो है आप एमएस वर्ड में चाहे पेस्ट करिए, चाहे वर्ड पैड में पेस्ट करिए, यानी किसी एप्लीकेशन में, अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप पेस्ट करेंगे तो पूरा विंडो आ जाएगा। तो हमने एक बार कीबोर्ड से जो है प्रिंट स्क्रीन को जो है उसको क्लिक किया, उसको जो है हम प्रेस किए, प्रिंट स्क्रीन बटन को हम प्रेस किए, उसके बाद जो है यहाँ से राइट बटन क्लिक करके हम पेस्ट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल वी आप प्रेस कर दीजिए। तो देखिए ये क्या है हुआ कि हमारे पेज पे जो है पूरा जो ये विंडो था उसका जो है स्क्रीनशॉट आ गया। ये था कीबोर्ड से हमने किया। इसको जो है जहाँ जहाँ से पॉइंट बना इसको छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। कहीं कहीं पे बुक में आप देखते होंगे विंडो का इस तरह से बना हुआ मिलता है, तो इसी तरह से वह क्या होता है, बनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं स्क्रीनशॉट में। अब एक विंडो हम अभी यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, स्क्रीन क्लिपिंग आ रहा है। तो स्क्रीन क्लिपिंग में जो है जितने पार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे बस उतना ही आएगा, या फिर हम एक विंडो और ओपन कर ले रहे हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, स्टार्ट में जाते हैं और उसके बाद यहाँ से वर्ड पैड को हम ओपन कर ले रहे हैं। अब एमएस वर्ड में जाइए आप, उसके बाद स्क्रीनशॉट में जाइए, तो देखिए यहाँ पे जो है विंडो दिख रहा है वर्ड पैड का। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो इसका जो है स्क्रीनशॉट जो है हमारे पेज पर ये आ जाएगा, या फिर इसको डिलीट करते हैं, यहाँ से इसको मिनिमाइज करते हैं, यहाँ से इसको रीस्टोर मोड में हम कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ से इसकी साइज को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर ले रहे हैं, स्क्रीन पे कर ले रहे हैं। अब चलते हैं एमएस वर्ड में। अब इंसर्ट में जाइए, स्क्रीनशॉट में जाइए। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे पूरा विंडो क्या हो जाएगा कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। इस तरह से हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर हम एक विंडो और ओपन कर ले रहे हैं, पेंट का ओपन कर ले रहे हैं। अब आते हैं एमएस वर्ड में इंसर्ट में स्क्रीनशॉट में। अब देखिए यहाँ पे आपका दोनों विंडो यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको किसका स्क्रीनशॉट लेना है, पेंट ब्रश का लेना है कि वर्ड पैड का लेना है, तो जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जिस विंडो के ऊपर वो हमारा आ जाएगा स्क्रीनशॉट में। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं।
यहाँ से इसको हम डिलीट कर रहे हैं। और स्क्रीन क्लिपिंग में जो होता है, यहाँ पे जो है स्क्रीन क्लिपिंग, इसको हम क्लिक करिए। उसके बाद जिस पार्ट को, जितने पार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, उतना पार्ट जो है हमारे डॉक्यूमेंट पे, जैसे इसको छोड़ेंगे हमारे डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। तो इस तरह से आप जहाँ पे इसका यूज है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना टेबल। टेबल को कैसे बनाते हैं वो आज हम देखते हैं। इस विंडो को यहाँ से हम क्लोज कर दे रहे हैं। इंसर्ट में चलते हैं, यहाँ पे है टेबल। टेबल हम यहाँ से भी जितना कॉलम चाहिए, जितना रो चाहिए, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे इतना जो है हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे क्लिक करिए, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारा कॉलम हो गया। 1, 2, 3, 4, 5 फाइव रो हो गया। जो इस तरह का, इसको हम बोलते हैं कॉलम। ये क्या है? कॉलम। और जो इस तरह हॉरिजॉन्टल में है, इसको हम बोलते हैं रो। तो यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साइज को जो है, यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है, यहाँ से इसको थोड़ा सा हम बड़ा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इसको हम डिलीट करते हैं, कंट्रोल ए से आल सेलेक्ट डिलीट। अब आते हैं इंसर्ट में। एक तो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, एंड दूसरा क्या है, इंसर्ट टेबल, यहाँ से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसको आप क्लिक करिए, नंबर ऑफ कॉलम, आपको कॉलम जो है कितना चाहिए, यहाँ से वो दे दीजिए। नंबर ऑफ कॉलम हम 6 दे दिए। नंबर ऑफ रोज कितना चाहिए, यहाँ से आप रो दे दीजिए। तो हमको 6 कॉलम चाहिए और 8 रो चाहिए। उसके बाद आप क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे तो देखिए 6 कॉलम आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उसके बाद 8 रो आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। और एक मेथड और है, उसको भी देख लेते हैं, कंट्रोल जेड से बैक कर लेते हैं। इंसर्ट में टेबल में जाइए, नंबर 1 यहाँ से इंसर्ट हमने किया, नंबर 2 इंसर्ट टेबल में जा कर के हमने इंसर्ट किया, एंड नंबर 3 जो है यहाँ पे लिखा गया है ड्रा टेबल। यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग उसको ड्रा कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे करेंगे, आप इसके ऊपर क्लिक करिए तो इस तरह से एक पेंसिल आ जाएगा। अब आपको जितने में चाहिए ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए बॉर्डर, सेलेक्ट करके आप छोड़ दीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे देख रहे हैं दो ऑप्शन आ रहा है, दो टैब आ रहा है, एक डिजाइन टैब और दूसरा लेआउट टैब। तो टेबल में यही जो है हमको दोनों पढ़ना है। तो सबसे पहले डिजाइन टैब में आते हैं। यहाँ पे देखिए ड्रॉ टेबल, इसको ऐसे हटा दीजिए तो पेंसिल हट जाएगा। दोबारा हम ऐसे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। फिर से हम इसमें क्या कर सकते हैं, और बना सकते हैं। इसको आप सेलेक्ट किए, सेलेक्ट किए रहिए और यहाँ पे आते हैं बॉर्डर में, लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल में जाइए, जैसा आपको बॉर्डर चाहिए उस तरह का लाइन स्टाइल आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने पसंद का। तो इस तरह से आप, हम जो है इसको सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से इसका विड्थ दे देंगे, कितना मोटा पतला करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ से पेन कलर, किस कलर में चाहिए आप यहाँ से कलर को सेलेक्ट कर लीजिए। इतना करने के बाद इसी लाइन के ऊपर आप इसी तरह से क्या करिए, ऐसे लाइन बनाएंगे तो उस तरह से बन जाएगा। जैसे ही इस लाइन के ऊपर हम पेंसिल से क्लिक करेंगे तो इस तरह से बॉर्डर हमारा अप्लाई हो जाएगा। इतना हमने बना दिया। अब जो है चेंज भी हम कर सकते हैं। यहाँ से हम दूसरा वाला लाइन सेलेक्ट कर ले रहे हैं और यहाँ से जो है मोर कलर में जा कर के दूसरा कलर को हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ से ओके कर लीजिए।
इस तरह से आप लाइन बना सकते हैं। इसके बाद इसके नीचे जो है हम उसको भी बना सकते हैं। जैसे हम इस वाले लाइन को सेलेक्ट किए, थोड़ा सा यहाँ से हम मोटा इसको कर लिए और लाइन कलर जो है हम इसको जो है मोर कलर में जा कर के ग्रीन कर दे रहे हैं और यहाँ से ओके करिए। अब इस तरह से जितना आपको कॉलम चाहिए इस तरह से आप कॉलम बना सकते हैं। और इस तरह से जितना रो चाहिए आप बना लीजिए पेंसिल से। तो इस तरह से हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग इसको सीख लिए, यहाँ से ये लाइन स्टाइल, यहाँ से उसका जो है विड्थ लेंगे, थिकनेस कितना मोटा पतला करना है, यहाँ से कलर किस कलर में चाहिए और यहाँ से ड्रॉ टेबल बनाने के लिए इसको हटाना है पेंसिल को, दोबारा इसको अनसेलेक्ट कर देंगे तो यह हट जाएगा। अब आता है यहाँ पे इरेजर, जैसे हमको इसको क्या करना है, इरेज करना है। तो आप इसको सेलेक्ट करिए और उस लाइन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो वह लाइन जो है इरेज हो जाएगा। तो इस तरह से आप इरेज कर सकते हैं। एक ऑप्शन और है, इसको यहाँ से हटाइए, रिमूव करिए, अनसेलेक्ट करिए, लेआउट में जाइए, जितने को आपको मर्ज करना है उतना आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिया गया है मर्ज सेल, इसको आप क्लिक कर दीजिए तो जितना सेलेक्ट रहेगा उतना सेल जो है मर्ज हो जाएगा। तो आते हैं डिजाइन में। तो इरेजर, ड्राइंग, इतना सब सीख लिए और इसके बाद जो है ये सब हम पहले लेआउट देख लेते हैं, फिर इसको जो है देखेंगे कि कैसे हम करेंगे। आते हैं लेआउट में। लेआउट में जो है यहाँ से है अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर अगर हमको करना है यहाँ से कर सकते हैं। एक चीज़ और हम देख रहे हैं, ये जो बॉक्स इस तरह बना है तो कोई छोटा बना है कोई बड़ा बना है, इसको हम बोलते हैं सेल। तो देख रहे हैं कोई छोटा सेल है कोई बड़ा सेल है, तो हम चाहते हैं कि सब एक जैसा हो जाए। या फिर ये बोल सकते हैं कोई कॉलम जो है हमारा ये पतला है तो कोई इतना चौड़ा है, इस तरह से देख रहे हैं कि सब सेम नहीं है। इसी तरह रो भी है तो किसी में ज़्यादा स्पेस है किसी में कम स्पेस है, तो हम ये चाह रहे हैं कि सब इक्वल स्पेस हो जाए, यानी कि सब सेल जो है समान हो जाए। तो क्या करिए आप, इस तरह से टेबल को आप सेलेक्ट करिए या फिर ये जो यहाँ पे इस तरह का बना हुआ है एरो चारों तरफ का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिया गया है डिस्ट्रीब्यूट रो, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो रो को बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक कर दिए तो रो को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, एक कॉलम को बराबर भागों में डिवाइड करेगा डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, उसके बाद आप ऐसे क्लिक कर दीजिए। अब देख रहे हैं कि सब सेल एक तरह से एक जैसा हो गया है। तो डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। अब इसके बाद आते हैं, हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, अब इसका जो है अलाइनमेंट, इसको इस तरह से सेलेक्ट करिए या फिर उसी में हमारा कर्सर है तो अप्लाई हो जाएगा, कोई नहीं सेलेक्ट करेंगे तो भी। तो इस तरह से आप कर्सर रखिए। अब इस ए वाला जो पार्ट है पूरा एक सेल बन गया है, तो इसमें कर्सर रखिए और यहाँ से जो है आपको सेंटर करना है लेकिन ऊपर बॉटम में, तो ऐसे कर सकते हैं, सॉरी टॉप में, बॉटम में करना है तो ऐसे नीचे आएगा, एकदम बीच में करना है तो इस तरह से सेंटर में कर लेंगे, यहाँ से लेफ्ट राइट सेंटर जिधर भी आपको करना है यहाँ से आप लाइन दे सकते हैं। ये हो गया। इसको अगर आपको फॉर्मेटिंग करना है तो आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर्मेट कैसे करेंगे,
चले जाते हैं हम होम में, रेड कलर, यहाँ से बोल्ड कर दे रहे हैं, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल, टाइम्स न्यू रोमन साइज को यहाँ से हम बढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद ये वाला जो है रिमूव कर दे रहे हैं। और इसमें जो है हमको, चलिए इतना ही अप्लाई करते हैं। अब इसमें लिखना है, मान लेते हैं कैलेंडर अगर हमको बनाना है तो यहाँ पे लिखते हैं संडे, टाइप दीजिए मंडे। अब क्या करना है कि इस तरह से इसे सेलेक्ट हम किए, अब इसमें हम इसको फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, यहाँ से ब्लू कलर दे दिए, सेंटर कर दिए, तो लेआउट में जा कर के हम ये वाला बीच वाला सेंटर कर दे रहे हैं। इसके बाद जो है होम में बोल्ड और यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन साइज को बड़ा कर दे रहे हैं। तो जैसे जितना हम इसमें किए इसी तरह हर एक सेल में हमको करना पड़ेगा। तो एक ये ऑप्शन है कि एक ऑप्शन है कि वन बाय वन करें, या फिर सभी को इस तरह से एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करिए, जो फॉर्मेटिंग आपको करना है सभी को एक साथ सेलेक्ट करके फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने फॉन्ट स्टाइल दे दिया, बोल्ड कर दिए, और यहाँ से हम कलर को यूज कर लिए, और यहाँ से जो है ये रिमूव जो यहाँ पे देख रहे हैं सेंटर में है, लेकिन जो है यहाँ पे थोड़ा स्पेस हमारा ज़्यादा लिया है, इसलिए कि यहाँ पे ये जो ऐड किए हैं स्पेस, इसको हमको रिमूव अगर हम कर देंगे तो सब हमारा इक्वल आ जाएगा। जैसे सभी को सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे आए, इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं, अब हमारा ये एकदम बीच में आएगा। चलिए इतने को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो है लेआउट में जाते हैं, इस सेंटर हम यहाँ से कर लेते हैं, और साइज में आते हैं, यहाँ से साइज हम दे देते हैं, बोल्ड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इतना हम इस कलर में कर दिए, अब इतना जो है हमको दूसरा कलर करना है, तो यहाँ से दूसरा कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मोर कलर में जा कर के हम ग्रीन को सेलेक्ट करते हैं, ओके कर दिए, बोल्ड कर दिए, साइज को हम यहाँ से बढ़ा दिए, उसके बाद यहाँ से जो है टाइम्स न्यू रोमन कर दिए, और उसके बाद लेआउट में जा कर के यहाँ से हम सेंटर कर दिए। बस अब आपको क्या करना है, लिखना है, इसके बाद यहाँ से वन आप टैप प्रेस करिए, टू फिर टैप प्रेस करिए, थ्री, जैसे ही हम कीबोर्ड से टैप बटन को प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट सेल में ये हमारा चला जाएगा, फोर फाइव सिक्स सेवन, इस तरह से हम लिख दे रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ तक बनाए हुए थे, लेकिन जैसे ही हम एक बार टैब बटन प्रेस करेंगे तो इसके नीचे जो है एक रो जो है ऑटोमेटिक हमारा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम लिखते रहेंगे, नीचे हमारा रो आता रहेगा। फिर टैब 27, 28, 29, 30, 31। चलिए तो अब एक एक ऑप्शन को क्लियर करते हैं। हम सीखे डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। डिस्ट्रीब्यूट रो अगर हम प्रेस करते हैं तो रो को बराबर भागों में डिवाइड कर देगा, अगर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम को प्रेस करेंगे टेबल को सेलेक्ट करके तो कॉलम को बराबर भागों में डिवाइड करेगा। ये अलाइनमेंट हो गया, अलाइनमेंट का मतलब ये है कि इसको लेफ्ट रखना है कि ऊपर में, टॉप में लेफ्ट रखना है कि बॉटम में लेफ्ट रखना है, या फिर बॉटम में सेंटर रखना है, या फिर सेंटर में करना है, या फिर टॉप में सेंटर करना है। ये हो गया मिडिल सेंटर। इसी तरह हम राइट साइड में कर सकते हैं, टॉप में चाहिए कि मिडिल में चाहिए कि बॉटम में चाहिए। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं।
अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है टेस्ट डायरेक्शन। टेस्ट डायरेक्शन कैसे होगा, अब जैसे हम यहाँ पे लिख दिए रन, अब टेस्ट डायरेक्शन में इस तरह से हमको चाहिए या फिर इस तरह से चाहिए, तो जैसे भी चाहिए हम यहाँ से डायरेक्शन दे सकते हैं। चलिए कंट्रोल जेड से हम बैक कर लेते हैं। ये टेस्ट डायरेक्शन था। यहाँ पे सेल मार्जिन, यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेल की मार्जिन दे सकते हैं। यहाँ से हम बढ़ा दे रहे हैं, तो सेल को अगर आपको छोटा करना है, बड़ा करना है, तो आप यहाँ से जो है कर सकते हैं। करने के बाद आप क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो देखिए सभी सेल क्या हो गए, बढ़ गए। कंट्रोल जेड कर दे रहे हैं तो ये सेल मार्जिन हो गया। इसके बाद हाइट विथ, किसी एक सेल को अगर हमको छोटा करना है या बड़ा करना है, यहाँ से हम हाइट को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, विथ को हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, इस तरह से। चलिए कंट्रोल जेड कर लेते हैं। तो ये हाइट विथ हो गया। ऑटो फिट अभी कुछ देर में हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे है मर्ज सेल। जैसे अभी इसके पहले हम बताएं, दो तरह से कर सकते हैं। एक डिजाइन में ये जो इरेजर है इसका यूज कर सकते हैं, इसको आप सेलेक्ट करिए, जिसको मर्ज करना है उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो यह मर्ज हो जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करिए, इसको यहाँ से इसको हटाइए, अनसेलेक्ट कर लीजिए इसको, फिर लेआउट में जाइए, इसको अगर मर्ज करना है तो ऐसे सेलेक्ट करिए दोनों सेल को, उसके बाद मर्ज सेल। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितना सेलेक्ट रहेगा वह मर्ज हो जाएगा। चलिए कंट्रोल जेड करते हैं तो ये मर्ज सेल हो गया। स्प्लिट सेल में सेल को हम स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। कैसे, जिस सेल में कर्सर है उसी में अप्लाई होगा। तो हम इस सेल में क्या किए हैं, कर्सर रखे हैं। अब यहाँ से स्प्लिट सेल, अब कितने कॉलम और कितने रो में इसको जो है हमको ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है। हम चाहते हैं दो कॉलम रहे और दो रो हो जाए, उसके बाद आप क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब देखिए वन और ए टू, तो यहाँ पे दो कॉलम हो गया और दो रो हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। मर्ज करना तो इसको ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सेल में भी आप बना सकते हैं जैसा आपको ज़रूरत हो। चलिए कंट्रोल जेड। यहाँ पे है स्प्लिट टेबल। अब हमको क्या करना है, टेबल को स्प्लिट करना है। तो हम कर्सर जहाँ पे हम रखेंगे जस्ट उसके बाद से, उसके जो ऊपर वाला है रो, वहाँ से क्या होगा, टेबल जो है स्प्लिट हो जाएगा, यानी ब्रेक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट टेबल। तो देखिए हम यहाँ 14 में कर्सर रखे तो जस्ट इसके ऊपर से क्या हो गया, वह स्प्लिट हो गया, यानी कि यह देखिए दो टेबल में हमारा यह बन गया। इस तरह से अगर आपको करना है तो स्प्लिट टेबल का यूज आप कर सकते हैं। कंट्रोल जेड, तो ये मर्ज वाला ये पूरा ऑप्शन हम आपको बता दिए। अब आते हैं इस वाले रो एंड कॉलम वाले ऑप्शन में। इसमें क्या करना है, इंसर्ट एबो। अब जैसे कर्सर हमारा जो है हम रख रहे हैं एट वाले में, यहाँ पे हम अपना कर्सर रख रहे हैं। अब जब जो भी अप्लाई होगा, या तो इसके ऊपर होगा या इसके नीचे होगा या इसके लेफ्ट में होगा या फिर इसके राइट में होगा। जैसे इंसर्ट एबो, हमको इसके ऊपर जो है एक जो है रो चाहिए। मान लेते हैं कोई कुछ लिखना हम भूल गए हैं तो हमको ज़रूरत है इसके ऊपर एक रो, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट एबो, जहाँ पे कर्सर रहेगा जस्ट उसके ऊपर एक रो हमारा आ जाएगा। इस तरह से अब जो कुछ हमको लिखना है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कंट्रोल जेड। या फिर जहाँ पे कर्सर है उसके नीचे चाहिए तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इंसर्ट बेलो, तो जस्ट उसके नीचे हमारा एक रो आ जाएगा।
अब यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट, हमको लेफ्ट में एक कॉलम चाहिए तो लेफ्ट में कर देंगे। तो इस तरह से एट में था, इसके बगल में एक हमारा आ गया इस तरह से। ये हम पूरा मर्ज कर दिए थे इसलिए इस तरह से आ गया है। बाद में इसको हम क्या कर देंगे, इस लाइन को रिमूव कर देंगे, मर्ज कर देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। कंट्रोल जेड, या फिर इसके राइट साइड में चाहिए तो इंसर्ट राइट। तो इस तरह से आप कॉलम और रो को इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड हम कर रहे हैं। तो ए वाला हम बता दिए, इंसर्ट एबो, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। अब आते हैं डिलीट में। अब हमको क्या करना है कि डिलीट ऑप्शन कैसे सब अप्लाई होगा। अगर हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर अगर हम ये जो पॉइंट बना रहा है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। और कीबोर्ड से अगर हम डिलीट बटन को प्रेस करते हैं तो जो ये मैटर लिखे हैं वो हमारा डिलीट हो जाएगा और टेबल डिलीट नहीं होगा। तो टेबल को डिलीट कैसे करना है, या फिर हम कर सकते हैं डिलीट क्या होगा, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए से आल सेलेक्ट हो जाएगा। आल सेलेक्ट करिए और डिलीट बटन प्रेस करेंगे तब डिलीट हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, अगर आल सेलेक्ट हम करते हैं तो मान लेते हैं इसके ऊपर हमारा एक पेज में कोई मैटर लिखा गया है या फिर इसके नीचे है कुछ, तो वो सब भी क्या होगा, जब कंट्रोल ए करेंगे तो वो सब भी सेलेक्ट हो जाएगा और जब डिलीट करेंगे तो सब डिलीट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ओनली हमारा जो है टेबल ही डिलीट हो और जो मैटर है हमारा रहे। मान लेते हैं इसके ऊपर जो हम लिखे हों या फिर इसके नीचे जो हमारा मैटर है वो सब हमारा रहे, बस टेबल ही डिलीट हो। तो इसके लिए हमको क्या यूज करना है, लेआउट में जाइए, डिलीट ऑल ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कर्सर जो है वन में हम रख रहे हैं। अब डिलीट में आते हैं, डिलीट सेल, इसको बोलेंगे पे पूरा हमारा क्या है, सेल है, एक सेल, दो सेल, ये सब क्या है, सेल है। ये जो बॉक्स दिख रहा है इसको हम सेल बोलते हैं। तो डिलीट में आते हैं, डिलीट सेल, इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। इस तरह से अगर विंडो के ऊपर कोई इस तरह से आता है तो उसको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। किसका डायलॉग बॉक्स है, तो डिलीट सेल का है। जैसे जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देते हैं और किसी का एग्ज़ाम देते हैं तो वो उसमें क्वेश्चंस में जैसे आता है डिलीट सेल, जो डायलॉग बॉक्स है, डायलॉग बॉक्स में क्या नहीं होता है। मान लेते हैं इसमें से तीन ऑप्शन दे दिया और एक अदर दे दिया, उसमें से पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं होता है। तो ये सब पढ़ते टाइम आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिनको जैसे एग्ज़ाम देना है तो सभी ऑप्शन को एक बार देखे रहेंगे तो वहाँ पे इजीली आप क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे है शिफ्ट सेल लेफ्ट, इसको हम ऐसे सेलेक्ट किए और ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो लेफ्ट से एक सेल हमारा डिलीट हो जाएगा। ओके, तो देखिए हमारा जो वन था वो डिलीट हो गया लेकिन ये आ गया हमारे लेफ्ट साइड में। चलिए अब इसके बाद डिलीट में आते हैं, डिलीट सेल, शिफ्ट सेल अप। अब जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में आया था, जब ये डिलीट होगा तो ये नीचे वाला ऑप्शन इसके ऊपर और चला जाएगा, शिफ्ट सेल अप। इस तरह से ये यहाँ से इसको मैनेज करने के लिए इस तरह से बॉर्डर बना दिया है। कंट्रोल जेड, डिलीट, उसके बाद डिलीट सेल, डिलीट इंटायर रो। कर्सर हमारा इसमें था, पूरे रो को ही हमको डिलीट करना है तो हम इसको कर देंगे डिलीट इंटायर रो को। तो जो 1, 2, 3 हम लिखे थे वो वाला पूरा हमारा जो रो था वो डिलीट हो चुका है। कंट्रोल जेड, या फिर कॉलम को डिलीट करना है, ए वाला कॉलम पूरा डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आप कर्सर रखिए, डिलीट में जाइए, डिलीट सेल में जाइए और डिलीट इंटायर कॉलम। जैसे ही ओके करेंगे तो ये भी डिलीट हो जाएगा, इसको भी हम मर्ज कर दिए हैं पूरा तो ये भी डिलीट हो जाएगा। अगर यह मान लेते हैं इस तरह से पूरा सब रहता तो बस यही डिलीट होता, ये सब इस तरह से फॉर्मेट हमारा बना रहता, लेकिन हम इसको पहले से ही मर्ज कर चुके हैं इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इस तरह से अगर इस तरह से जैसे हमारा रहता, अब हम जैसे 2 को डिलीट करना है, इस वाले पूरे कॉलम को, वेडनेसडे को, तो डिलीट में जाइए,
डिलीट सेल में जाइए, उसके बाद डिलीट इंटायर कॉलम, इसको सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो देखिए बस ये वाला कॉलम हो हमारा डिलीट हो गया, बाकी इस तरह से हमारा रहा। कंट्रोल जेड से हम बैक कर ले रहे हैं। तो डिलीट में आते हैं, डिलीट सेल, ये पूरा ऑप्शन हम आपको बता दिए। अब इसके बाद डिलीट में आते हैं, यहाँ पे है डिलीट कॉलम, कॉलम को डिलीट करना है, यहाँ से भी कर सकते हैं कंट्रोल जेड। डिलीट रो, रो को डिलीट करना है तो इस तरह से रो को डिलीट कर सकते हैं, या फिर हमको पूरे टेबल को डिलीट करना है तो डिलीट में जाइए और यहाँ से डिलीट टेबल। तो इस तरह से अगर हम डिलीट करेंगे तो ओनली हमारा टेबल डिलीट होगा और जो मैटर हमारा जैसा था उस तरह से हमारा मैटर रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कंट्रोल जेड, आते हैं लेआउट में। तो हम यहाँ से इतने सब ऑप्शन को बता दिए। अब जो है यहाँ पे है सेलेक्ट, जैसे इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं माउस से भी, हमको इतना सेलेक्ट करना है या फिर दो सेल को करना है या फिर एक सेल को करना है या फिर कॉलम को करना है या फिर पूरे टेबल को हमको करना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यही यहाँ से भी हम कर सकते हैं, सेलेक्ट में जाएंगे, सेलेक्ट सेल, तो जिसमें कर्सर है वो वाला सेल सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर जैसे सेलेक्ट, ये देखिए सेलेक्ट हो गया, क्लिक करिए इसमें, यहाँ पे आइए सेलेक्ट कॉलम, तो इसको क्लिक करिए, ये वाला कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ये मर्ज है इसलिए ये भी हो जा रहा है। सेलेक्ट में जाइए, रो को करना है तो इस तरह से रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जाइए सेलेक्ट टेबल, पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है तो यहाँ से टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके आप जो भी फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करना अप्लाई कर सकते हैं। व्यू ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन देखना है तो इस तरह से व्यू ग्रिड लाइन, या फिर यहाँ पे नहीं शो हो रहा है तो व्यू में जाइए और यहाँ से ग्रिड लाइन, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ग्रिड लाइन आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे है प्रॉपर्टीज, इसमें क्या है, अब इस टेबल को हमको लेफ्ट रखना है, सेंटर रखना है, राइट रखना है, जैसे इसको थोड़ा सा हम छोटा कर दे रहे हैं तो थोड़ा समझ में आएगा। ये हो गया, अब प्रॉपर्टीज में जा करके हम यहाँ से सेंटर कर दिए और ओके कर दिए, तो यह टेबल जो है पेज के सेंटर में आ जाएगा। प्रॉपर्टीज में जाइए, राइट करना है तो यहाँ से आप राइट कर सकते हैं, यहाँ से नन करना है तो एक ओके कर दीजिए, नन हो जाएगा, तो यहाँ से हम लेफ्ट कर दे रहे हैं। या फिर अराउंड, अराउंड में जा करके यहाँ पे पोजीशन आप दे सकते हैं, लेफ्ट में रखना है कि राइट में रखना है कि बीच में रखना है कि आउटसाइड, हमको इनसाइड। उसके बाद यहाँ पे आइए पेज पोजीशन, तो टॉप में, बीच में हमको रखना है इनसाइड में, टॉप बॉटम सेंटर, यहाँ से हम बॉटम कर दे रहे हैं, उसके बाद ओके, और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से बॉटम में ये हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा टेबल। तो इस तरह से हमको जिधर हमको रखना है वो कर सकते हैं, यहाँ से रो की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से कॉलम में सेल, उसके बाद हम टेबल को ही पूरा कर रहे हैं, यहाँ से सेंटर और ओके। चलिए कंट्रोल जेड से हम बैक कर लेते हैं। तो ये वाला ऑप्शन सब बता दिए, इतना सब ऑप्शन हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पे दिया है ऑटो फिट, ऑटो फिट कैसे होगा, इसको आप क्लिक करिए, जो एरो बना है यहाँ पे आप क्लिक करिए। अब यहाँ पे है ऑटो फिट कंटेंट्स, अगर हम इसको क्लिक कर देंगे तो जितना जैसे ज़रूरी स्पेस है बस अगर हमको उतना ही चाहिए तो यहाँ पे जा करके आप ऑटो फिट कंटेंट्स कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जो इतना स्पेस है तो हम चाहते हैं ज़्यादा स्पेस हम ना लें, जितना ज़रूरी है बस उतना ही लें, तो आप जाइए ऑटो फिट में, यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट्स कर दीजिए ऐसे। तो देखिए थोड़ा सा ये हमारा कम हो गया।
कंट्रोल जेड, यहाँ पे जाइए ऑटो फिट विंडो, पूरे हमको विंडो तक करना है तो आप इसको कर दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, विंडो तक हो जाएगा जहाँ तक इसका मार्जिन था। कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ पे है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। ये क्या होता है, जैसे इस तरह से हम टाइप कर रहे हैं तो ये वाला हमारा बढ़ रहा है, यानी कि कॉलम हमारा बढ़ रहा है, तो हम चाहते हैं कॉलम को हम फिक्स कर दें, वो ना बढ़े, तो इसके लिए हम कर देंगे यहाँ पे जा कर के फिक्स्ड कॉलम विड्थ, इसको हम क्लिक कर देंगे। जब इसको हम फिक्स कर देंगे तो हमारा कॉलम जो है वो फिक्स हो जाएगा, इसके बाद अब रो बढ़ने लगेगा। तो इस तरह से आप जो है यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो ऑप्शंस बचे हुए हैं उन सब को अच्छे तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो जो हम बताएं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक या शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।